नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 20 नवंबर 2021 से राज्यपाल राजस्थान है कलराज मिश्रा ने आज पूर्वाह्न लगभग 11 बजे विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का विधिवत दर्शन पूजन किया। मां विंध्यवासिनी मंदिर पर विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने स्वागत व अभिनंदन किया। पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दर्शन पूजन कराया गया। जिलाधिकारी ने माननीय राज्यपाल को मंदिर परिसर के चतुर्दिक विंध्य कॉरिडोर के विकास कार्यों को दिखाया। राज्यपाल ने मंदिर से ही मां गंगा के दर्शन कर एवं प्रणाम कर भाव विभोर हो गए। दर्शन पूजन के बाद राज्यपाल मिश्रा ने उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि जब भी मिर्जापुर आने का अवसर मिलता है, मां विंध्यवासिनी के चरणों में शीश झुकाकर आत्मीय उन्नयन की अनुभूति होती है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों की सुविधा दृष्टिगत विंध्य कॉरिडोर की प्रगति को सराहा और उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द ही मां विंध्यवासिनी के दिव्य एवं भव्य मंदिर परिसर साकार होगा, जो विंध्याचल के धार्मिक एवं आध्यात्मिक पटल पर एक नवीन कीर्तिमान स्थापित करेगा। किसान आंदोलन वापसी के प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके हित के दृष्टिगत कृषि कानूनों को वापस लिया है। सरकार के लिए जन भावनाओं की संतुष्टि एवं सम्मान सर्वप्रथम है। उन्होंने मां विंध्यवासिनी से कोरोना महामारी से जल्द उभरने एवं कोरोना प्रभावित आयामों को पुनः विकास पथ पर बढ़ने की कामना की। उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की है कि देश के अंदर प्रगति की स्थिति अग्रसर होती जाए। उन्होंने आम आदमी परिवार और देश में खुशहाली एवं अमन चयन की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर यादव, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी सिटी प्रभात राय, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार के अलावा अन्य सभी अधिकारी उपस्थित रहे। मिर्जापुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।